नमस्कार दोस्तों, हाउ टू ऑनलाइन 3 में आपका स्वागत है। मैं बबलू राघव। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार की तरफ से आपकी फैमिली में अब हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। वो किस तरीके से मिलेंगे और किन को मिलेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो के नीचे आपको जो रेड बटन दिखाई दे रहा है आप उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपके घर में आपके पिताजी या माताजी 60 वर्ष से ऊपर हैं तो आप उनके लिए ओल्ड पेंशन के लिए अप्लाई करा सकते हैं और उसमें 1000 रुपये महीने आप कर दिए गए हैं। विधवा पेंशन में आपको 1000 रुपये मिलेंगे और विकलांग पेंशन में आपके लिए 1000 रुपये मिलेंगे। तो आप किस तरीके से इसे अप्लाई करा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक जनसेवा केंद्र की जो वेबसाइट है ये ओपन है, इसे आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर फॉर्म नहीं भर पाते ऑनलाइन तो आप अपने करीबी जनसेवा केंद्र या लोकवाड़ी केंद्र पर जाके इस फॉर्म के लिए अप्लाई करा सकते हैं। और एक और है इसमें दोस्तों, पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन। इसमें ऐसा क्या है तो मैं आपको बताऊं, अगर जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से 30000 रुपये आपके लिए मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आप इसे खुद भरना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं आपको करना क्या है। आपको गूगल पे लिखना है, अगर आप जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश से हैं या मुंबई से हैं तो आप अगर ओल्ड पेंशन बनना चाहते हैं तो ओल्ड पेंशन, विकलांग पेंशन तो मैं ओल्ड पेंशन आपके लिए दिखा देता हूं। ओल्ड पेंशन जैसे मैं यूपी के लिए भरता हूं तो यूपी, और इसके बाद ये देखिए वृद्धावस्था पेंशन, और ये देखिए यूपी की है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी, तो ये आप हर प्रदेश में इन फॉर्म को भर सकते हो। देखिए जैसे ये आ चुका है तो ऑनलाइन आवेदन करें, तो ऑनलाइन आवेदन हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसके लिए आपके लिए आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, और अगर आप जैसे ओल्ड पेंशन भर रहे हैं तो 60 वर्ष का एक प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने सरकारी अस्पताल से उसे बनवा सकते हैं। विधवा पेंशन के लिए जिनकी मृत्यु हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट लगता है, और विकलांग पेंशन के लिए विकलांग सर्टिफिकेट आप उसे जनसेवा केंद्र पे जाके अप्लाई करा सकते हैं। जनसेवा केंद्र पे आप यहाँ से भर सकते हो विकलांग प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो पर डे लाते रहेंगे। धन्यवाद।